महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया के सबसे तेज दिमाग क्रिकेट कप्तानों में से माना जाता है। मैच की स्थिति से लेकर खिलाड़ियों के टैलेंट तक को धोनी अच्छे से परख लेते हैं और अपने फैसले लेते हैं। ऐसे में अगर धोनी अपनी टीम के ही खिलाड़ियों को लेकर कहें कि उनमें कोई चमक नहीं दिखती है तो इस पर काफ़ी हैरानी होती। लेकिन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान की ये बात एकदम सही साबित होती नजर आ रही। यूएई में खेले जा रहे आईपीएल का मौजूदा सीजन चेन्नई के लिए बेहद खराब साबित हो रहा है। टीम मैदान में लगातार बुरा प्रदर्शन कर रही है और 10 में से सिर्फ 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है। टीम की सबसे ज्यादा आलोचना केदार जाधव, पीयूष चावला जैसे सीनियर क्रिकेटरों को युवा क्रिकेटरों पर तरजीह देने को लेकर हो रही। दरअसल राजस्थान के खिलाफ अपने पिछले मैच में चेन्नई 20 ओवरों में सिर्फ 125 रन ही बना पाई थी और टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में हार के बाद युवा खिलाड़ियों को मौका देने पर जब धोनी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, इस बार युवाओं को उतने मौके नहीं दिए गए, ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपने युवाओं में स्पार्क ना दिखाई दिया हो, शायद आगे उन्हें टीम में मौका मिले और वो बिना दबाव के खेल पाएं। धोनी के इस बयान के बाद उनकी जबरदस्त आलोचना हुई थी। कई पूर्व क्रिकेटरों से लेकर सोशल मीडिया पर फैंस तक ने धोनी के इस बयान को गलत ठहराया था, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ धोनी की बात सही साबित हुई। मुंबई के खिलाफ शारजा में हुए मैच में धोनी ने युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और एन जगदीशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया। इनके बदले टीम ने शेन वॉटसन और केदार जाधव को टीम से ड्रॉप किया। शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मैच में टॉस हारने के बाद धोनी की टीम को पहले बैटिंग के लिए उतरना पड़ा और पहले ही ओवर में धोनी की बात सच साबित हुई नजर आई। ओपनिंग के लिए उतारे गए गायकवाड़ को ट्रेंट बोल्ट ने अलग अलग लाइनों पर गेंदबाजी कर बुरी तरह फंसाया और पांचवी ही गेंद पर LBW कर दिया। गायकवाड़ को खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला। वहीं दूसरे ओवर में अंबाती रायडू के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जगदीशन को तो संभलने का भी मौका ना मिल सका और वो पहली ही गेंद में बुमराह का शिकार बन गए। ऋतुराज की ही तरह जगदीशन भी खाता नहीं खोल पाए। जगदीशन का सीजन में ये सिर्फ दूसरा ही मैच था। इससे पहले RCB के खिलाफ भी उन्होंने 33 रनों की पारी खेली थी। वहीं ऋतुराज का ये तीसरा मैच था जिसमें वो सिर्फ 5 रन बना पाए और 2 बार 0 पर आउट हो गए। जहां एक तरफ टीम के युवाओं को लेकर कही गई धोनी की बात सही साबित हुई, वहीं दूसरी ओर टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने भी एक बार फिर निराश किया। मुंबई के गेंदबाजों के सामने फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू, MS धोनी और रविंद्र जडेजा पूरी तरह फेल रहे। चेन्नई ने सिर्फ 6 ओवरों में 24 रनों पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। आखिर में टीम के विदेशी युवा ऑलराउंडर सैम करन ने पिछले कई मैचों की ही तरह एक बार फिर स्पार्क दिखाया और 52 रनों की शानदार पारी खेल टीम को 114 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन नतीजा फिर भी चेन्नई के पक्ष में न गया और मुंबई ने 10 विकेट से इस मैच में विशाल जीत दर्ज की। धोनी के इस बयान को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और IPL की हर अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। न्यूज और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल। लॉग ऑन करें IPL2020.tv9bharatvarsh.com पर, जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज। पैनासोनिक इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।